Assalamualaikum everyone, so welcome back again to my YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे समर सीरम. गर्मियाँ हैं, स्किन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है. कोई अभी तक सीरम तैयार नहीं किया, तो मैंने कहा चले आज बनाते हैं. आपको बताते हैं कि क्या किया है हमने सीरम बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं. ये सीरम इतना अच्छा है कि कोई भी मेरे जैसा गरीब इंसान जिसके पास प्राइमर नहीं है वो इसको यूज़ कर सकता है बिफोर मेकअप. सबसे पहले हमें चाहिए रोज़ वाटर. रोज़ वाटर के जो है ना 2 टेबलस्पून हम भर के डालेंगे. आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ही बनाएं कि एक मंथ के लिए यूज़ हो जाए, क्योंकि ऑयल्स अगर मिक्स करके रखा जाए ज़्यादा देर तो वो ख़राब हो जाते हैं. इसलिए इनकी क्वांटिटी मैं एक मंथ के हिसाब से रखूँगी. 2 टेबलस्पून हो गए हमारे हर के गुलाब के, और हमें चाहिए ऑरेंज ऑयल. ये मैंने पंसार शॉप से लिया था. आप लोग को अगर इससे अच्छा कैसे और से भी मिल सकता है तो वेल एंड गुड. सो हमें चाहिए ऑरेंज ऑयल, इसका 1 टेबलस्पून डालेंगे हम. और साथ में हमें चाहिए लास्ट आई गेस ऑयल, रोज़ मेरी ऑयल या रोज़ ऑयल जिसे सिंपल कहते हैं, इसकी भी 2 टेबलस्पून. रोज़ मेरी ऑयल और रोज़ वाटर की क्वांटिटी सेम रखनी है, ऑरेंज ऑयल की क्वांटिटी हाफ रखनी है. एक जो है हमें खाली बोतल चाहिए इस तरह की, जिसको ढूंढना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है. इसमें हम अपना सीरम स्टोर करके रखेंगे. और हमें चाहिए विटामिन ए की कैप्सूल. अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 4, अगर बड़े ले रहे हैं तो 2 डालने, 3 डालने, मैंने 2 लिए. और हमें चाहिए इस तरह का बाउल और एक स्पून. सो चलिए जी करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऐड. तो सबसे पहले हम रोज़ वाटर डालेंगे. रोज़ वाटर की 2 टेबल स्पून हमें ऐड करनी है. उसके बाद रोज़ मेरी ऑयल सेम क्वान्टिटी 2 टेबल स्पून. बाद में हमने ऑरेंज ऑयल ऐड करना है 1 टेबल स्पून. और लास्ट पर कैप्सूल. रोज वाटर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून. अब हम डालेंगे रोज मेरी ऑयल. ये देख लीजिए रोज मेरी ऑयल, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह का होता है ये. इसके भी 2 टेबलस्पून ऐड कर, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए. अब हम ऑरेंज ऑयल डालते हैं 1 टेबल स्पून. तो ये जी मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है. इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ऑरेंज ऑयल, रोज़ मेरी ऑयल और रोज़ वाटर जो है ना अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए. ये जब भी आपने यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना है, ताकि जो है ना वाटर और ऑयल जो है वो आपको अलग अलग नज़र आएगा. पहले शेक करिएगा फिर अप्लाई करिएगा. सीरम हो चुका है रेडी. अब मैं इसको बोतल में डालूंगी ताकि जो है ना इसको सेफली रख सकूँ स्टोर करके. और आप इसको कोशिश करिएगा, ये जो हमने सीरम बनाया है इसको जो है आप चूल्हे के आगे लगा के मत जाइएगा और ना ही धूप में जाइएगा, ताकि सनटेन ना हो जाए और आपकी स्किन ब्लैक ना हो जाए. और आप इसको कभी भी शाम में रात में लगा सकते हैं ईजीली. और तो ये जी मैंने कर लिया है अपना सीरम रेडी. आप भी जल्दी से जाएँ और सीरम बना लीजिए. इतना मुश्किल नहीं है, इंग्रेडिएंट्स इजीली हमें मिल सकते हैं पंसार की शॉप से. और जो है ना हम इसको जो है अपनी स्किन के लिए, अगर तो स्किन की केयर करनी है इस धूप में इस गर्मी में, तो इसको बना लीजिए. बहुत एक बार बनेगा तो आप इसको जो है ना वो एक माह के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये जी मैंने अप्लाई कर लिया, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है. आप इसको फेस पर अप्लाई करें, हैंड पर अप्लाई करें. अब मैं इस पर लगाऊँगी टिंट. ये मैंने टिंट जो बनाया था इसकी वीडियो भी अपलोडेड है. बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है ये टिंट और जो है ये सीरम. साथ में मैं इसमें थोड़ा और लगाऊंगी ताकि आपको क्लियरली कैमरे में नज़र आ जाए. इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीजिएगा. तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.